जब अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में पुलिस और प्रशासन नाकाम साबित हुआ तो युवाओं ने यह बीड़ा खुद उठा लिया और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवाओं के शराब विरोधी अभियान की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। पुलिस और प्रशासन सोता रहा और डिंडोरी में जेल बिल्डिंग के पीछे चल रहे अवैध शराब के कारोबार से खफा युवाओं ने 19 पेटी शराब पकड़कर पुलिस के हवाले कर दी। स्थानीय युवाओं ने इस काम को करने के बाद मामले को सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स और वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर मामले को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए दिखाई पड़े। वहीं दूसरी ओर युवाओं के इस काम की लोगों ने तारीफ की। अवैध शराब के मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी चंद्रकिशोर सिरामे ने कहा कि युवाओं के द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब को जब्त कर मामले की जांच की जा रही है। कल रात ही में स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई थी कि अवैध शराब जेल बिल्डिंग के पीछे रखी हुई और एक स्कूटी में शराब लाने की जानकारी मिली थी, जिस पर उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी गई। एक स्कूटी में 4 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है, जिसका चालक मौके से भाग गया था, जिस पर 34 एक आबकारी के तहत कार्रवाई की गई तथा दूसरा जेल बिल्डिंग के पीछे खुले स्थान में शराब रखे होने की सूचना मिली थी, जिसकी तस्दीक की गई। तो उक्त स्थान पर 18 पेटी लगभग अंग्रेजी शराब मिली है, जिसका भंडार मूल्य लगभग 85,000 रुपये, जिस पर हमने अज्ञात व्यक्ति के आबकारी के तहत कार्रवाई की गई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।